हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज शाम को जो मैं आपके ने पिछली कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि शाम को ना थोड़ी थोड़ी मतलब बर्फ गिर रही थी, पर आज तो मौसम साफ है, बिल्कुल साफ है। पर मैं आपको दिखाऊं बर्फ कितनी गिरी है। ओ गॉड, हम लोगों को तो नहीं चाहिए, बट नज़ारा बहुत खूबसूरत है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, पहले तो ये मेरी आवाज़ से उठ गया है, अभी तक सोया हुआ था। गुड मॉर्निंग स्विगी, जा रहा है बर्फ में? जा रहा है तू? चल ले, नहीं जा रहा, चल कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ये देखिए जी, किस तरह से घर के पास कितनी ज्यादा बर्फ जो है गिरी हुई है, आप देख सकते हो। और टेम्परेचर है डाउन, वो चलता है, ये देखिए यहाँ से पता चलता है। ये देखिए किस तरह से जो है ना, हमारे इसको शान बोलते हैं, शान जो है जमी हुई है, यानी पाला जो है जमा हुआ है। और ये देखिए जी, ओ शिट, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ से सूरज उग रहा है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, अभी ये देखिए अभी नहीं आया है तो नहीं होगा। और ये जो व्यू है ना, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए जी किस तरह से, ओह गॉड, सारी आपकी नज़र जहाँ तक जाती है ना, वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और ये देखिए ऊपर माउंटेन्स जो है कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी जो है ना सुबह की सूरज की किरणें जो है माउंटेन्स पर पड़ रही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे ना यहाँ पूरे इलाके में आई थिंक सबसे पहली जो धूप है वो हमारे घर के सराउंडिंग ही जो है आती है। बाकी क्योंकि हम ना काफ़ी ज़्यादा हाइट में है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ के, यहाँ से ऊपर सिर्फ एक दो घर है, वो लोग भी अभी यहाँ पर नहीं हैं। और सिर्फ नेपाली रहते हैं, दो डेरे बस उनके ही है, दो तीन डेरे हैं, हाँ तीन डेरे हैं उनके, बाकी हमारा घर यहाँ पर जो है आता है। तो देखा आपने कितना ब्यूटीफुल है। तो अभी बज चुके हैं जी सुबह के 7:15 होने को है, आज मैं लेट उठी हूँ बिकॉज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बाहर किसने आना था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो इसीलिए मैं लेट ही उठी हूँ। और आज स्कूल जाने का तो वैसे ही बनता नहीं है, रोड में कुछ चला नहीं है। और अब बाकी तो तब पता चलेगा, 8 बजे तक जो है मैसेज आ जाएगा जाना है या नहीं जाना है। बट यहाँ से जाना भी बहुत टफ होगा बिकॉज आपको पता है कितनी कितनी जो है बर्फ़ गिरी हुई है। सो कल मैं मॉर्निंग का अपना सारा काम जो है कर लेती हूँ, फिर आपके साथ तब चाहे स्कूल जाऊँगी या फिर यहाँ पर रहूँगी, जो भी हमारा यहाँ का ब्यूटीफुल सा आज व्यू रहेगा, मैं आपके साथ यहाँ का नेचर का जो व्यू है वही आज जो है शेयर करूँगी। अब मैं आपको बोलूँ किस तरह से बर्फ पड़ी है, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी किस तरह से, और ये देखिए कैसी है, बिल्कुल बुरबुरी है, ये देखिए बिल्कुल बुरबुरी बर्फ, हाँ ठंडी ठंडी। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही प्यारा। पर अभी हम लोगों को अब चाहिए नहीं थी बर्फ बिकॉज अब ये देखिए मौसम का कोई पता नहीं होता, और आज देखो सिर्फ एक दिन में पड़ी, और कितना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। ये देखिए, ये मैं किचन चली जाती हूँ, पहले से अपना काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, हम लोग ना सारे मिलकर कर रहे थे घर की सफाई। हमने पूरा एक फ्लोर जो है साफ किया था, यानी 5 कमरे हमने साफ किए थे। हम लोग 11:30 बजे लग गए थे और शाम को 4:30-5:15 बजे फ्री हुए थे। तो हम लोगों को जो है शिवरात्रि में साफ सफाई ये करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है बिकॉज ऐसा, क्योंकि जो शिवरात्रि का त्यौहार है वो पूरे भारत में यानी हिंदू पर्व एक है, और इसमें जो है इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, यहाँ पर यानी पहाड़ों में भी इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। इसके लिए पूरे घर की सफाई की जाती है, ऐसा माना जाता है कि घर का पूरा जो है साफ़ सुथरा होना एकदम तरह से यानी पवित्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो शिव जी महाराज है यानी महादेव जी है वो हमारे घर पर जो है उस दिन पधारते हैं। तो इसीलिए हम लोग कर रहे थे सफाई, ये सेकंड रूम मतलब कि जो हमारा
ग्लेस हम इसको कहते हैं, यानी एक तरह से ड्राइंग रूम है। यहाँ पर हम लोग अब जो है सफाई कर रहे थे, और बस आज की तो फर्स्ट डे की इतनी क्लिप थी, और बाकी जो है सेकंड डे की क्लिप है ये। हाँ, थोड़ा सा जो है मटेरियल, यानी जो जब आप घर की सफाई करते हो, बेशक चाहे जितना साफ़ सुथरा रखो, पर फिर भी जो है आपका कुछ ना कुछ बचा रहता है, ये वही सामान है, और इसलिए उसको जला रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर जो है व्यू है, माउंटेन्स पर पड़ रही है बर्फ़। तो आज है 26 फरवरी। तो आज भी हमारा दूसरा दिन है घर की सफाई करने का, बिकॉज जैसे शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि में जो है पहाड़ों में क्या किया जाता है, घर की सारी सफाई वगैरह की जाती है। तो पिछले कल हमने जो है फर्स्ट फ्लोर कर दिया था, और आज जो है किचन कर रहे हैं, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा जो है बर्फबारी हो रही है। तो किचन के जितने भी कपड़े वगैरह हैं वो हम कल धोएंगे, मतलब सारे घर के जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं धोने के लिए वो हम लोग जो है कल धोएंगे। तो आज भी यही रहेगा, कल मैं बस थोड़ा सा वही क्लिप बना पाई थी, तो कल की और आज की दोनों क्लिप मैं जो है इसमें ऐड कर दूंगी। नहीं लगा था जो है ब्लॉग को शूट करने का, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी ज़्यादा जो है आज भी बर्फबारी गिर रही है। ये देखिए किस तरह से वेदर फोरकास्टिंग में आज का ही बताया, कल से फिर साफ बताया है। और तो यहाँ से मैं आपको आपके साथ थोड़ा सा व्यू शेयर करूँगी, और अपना थोड़ा सा वर्क ही शेयर कर पाऊँगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा काम रहता है आजकल, तो इस वजह से जो है जैसे मतलब की सफाई वगैरह हो रही है उस वजह, आप देख सकते हो देखिए किस तरह से जो है बर्फ़ आके मेरी आँख पर जो है लग गई है। ये देखिए, और मेरी गाय वगैरह मुझे बुला दी, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, फिर आपके साथ थोड़ा बहुत जो है वर्क हमारा जो रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। Thank you.
आज ना सुबह से कंटिन्यू जो है हम लोग साफ़ सफाई में लगे थे, किचन की साफ़ सफाई की, और उसके बाद जो है हमने थोड़े से पकौड़े बनाए। शाम को पकौड़ा कढ़ी बनाई जाएगी। और पता क्या, अभी जो मौसम है ना, अभी थोड़ी थोड़ी बर्फबारी भी हो रही है बट इसमें नहीं आएगी शायद से, और साथ में मौसम ना साफ भी हो गया और एकदम से ना धूप भी आ चुकी है। और अभी देखिए आप कितनी ज़्यादा बर्फ जो है यहाँ पर गिरी हुई है, अभी आ चुकी है। और ये देखिए इसके काम, ये क्या कर रही है अनु, आप क्या कर रहे हो? अभी बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। नो 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 नो, ये क्या है? निचला पार्ट है ना बर्फ, अभी देखना। वाह। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही रहेगा। इसके बाद मैं आपके साथ थोड़ा सा व्यू शेयर करूंगी, बिकॉज आज ना अभी तक मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं कर दी है, बिकॉज सुबह से टाइम ही नहीं मिला। अब करूंगी, अब एडिटिंग करूंगी। और जैसे ही मैंने ऐसा किया वैसे ही वो मेरे हाथ से छूट के पर गिर गया। सो होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।